तो मेहमान सिंह यादव तो आएगा जरूर एक दिन, ये बोलेगा हम लोग कि हम मेहमान सिंह यादव बोलते हैं, बोल के मेहमान सिंह यादव का क्लैरिफिकेशन दे दे रहे हैं। ये मेहमान सिंह यादव एक्चुअली ये गाय का चारा को बोलते हैं। ये गाय का चारा जो खा गया, देखिए हम लोग सब गो भगत हैं और जिंदगी मेरा चला गया गाय में बचपन से लेके अभी तक, और जब से जिंदगी में होश संभाला और कथा पहले भागवत जी का, फिर रामायण जी का, फिर ये श्रीमद् भागवत गीता, फिर उपनिषद, ये सांख्य दर्शन इत्यादि का कथा, फिर देवी भागवत, जहाँ जैसे मेरा पंडित के घर में का बच्चा है, लोहरा का बच्चा को बोलेंगे कि तू क्या बनाता है, कढ़ाई बनाता है कि छुरा बनाता है, तो पंडित का बच्चा को बोलेंगे कि का कथा करता है, बोला कोनो मिल जाए कहीं मिल जाए, बुला लिए तो कथा मांग लिए आ गए, का चिंता हमारा को, तो कौन सा विषय कमी है। तो माता रानी का कृपा है। और वेदांत का कोर्स करने के बाद वेदांतों का, अच्छा वेदांत में ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, रामायण वगैरह में हो जाते हैं, भागवत जी में हो जाते हैं, देवी भागवत में होते हैं, लेकिन वेदांत वाला बड़ा टेक्निकल बात है, एकदम उपनिषद, ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, ज़्यादा लोग नहीं होते तो ऐसे उसका कथा। तो उसमें धीरे धीरे फिर देश का परिस्थिति को देखते हुए गौ कथा को भी ले जाए, तो गौ कथा के शीर्ष में क्या हुआ, बिहार झारखंड के तरफ भी मेरे को बहुत से कथा मिली चंपारण और इधर सुबह, तो उस दौरान मेरे को जाने का मौका मिला चंपारण का एक गौशाला में। तो वहाँ का जो गौशाला का जो सरकारी गौशाला था, लोग बोले कि गुरुजी यहाँ अगर नर्क देखना होता तो चारा घोटाला के समय आए होते। बोले हम लोग बहुत कोशिश किए गायों को बचाने के लिए, गाँव घर का सारा पेड़ उड़ काट काट के ला ला के दे, गाय लोग भूखे भूखे मृत्यु का इंतजार कर रही थी। अब हजारों गाय थी वहाँ चंपारण वाला गौशाला में और ऐसे और भी गौशाला में, और केवल चारा खा गया बेटा मेहमान सिंह यादव, तो जिसके लिए गाय तड़प तड़प के बड़े बेमौत मरे। तो वो लोग जो सुना रहे थे ना, मैं रो पड़ा उनका स्थिति सुन के, बोले हद था, जिंदगी में ऐसे कभी देखे नहीं थे, तो इतना चारा खा गया है कि और गायों के पास आया नहीं। तो 3,500 गाय एक गांव में, एक आदमी कितना पुआर कुटी लाके कहाँ से देगा, जब गवर्नमेंट का सेंक्शन, ट्रक ट्रक आने वाला चीज़, हर दिन में 10 ट्रक माल गिरता था। हम गांव वाले कितना कितना भी कोशिश किया, गाय नहीं बचा पाए। तो आज के डेट में वहाँ क्या हुआ है, सुअर पालन किया गया है। तो मैं बाई मिस्टेक चला गया, तो जो चल के गया ना, तो सुअर का लीद के ऊपर चल के जाना, 3 दिन तक तो नहाना पड़ गया मेरे को, एकदम पैता वैता बदले और सारा जनेऊ वनेऊ परिवर्तन करके, तो जाके देखा और मतलब कि एक भी गाय नहीं है और हजारों सुअर भरे पड़े हैं। तो बाद में पता चला कि ये मेहमान सिंह यादव हमारे चारा घोटाले का जो CM साहब है, उसी का षड्यंत्र था कि गाय हटे और सुअर आए। ठीक है, तो उस दिन से दिमाग में आ गया कि मेहमान सिंह यादव, आप यादवों को नहीं बोलते कृष्ण भगवान के बाप, नहीं दूसरा यादव, ये दिमाग, ये उसको हटा दीजिए, मैं चूंकि कर्म भोग रहा हूँ, हाँ। जितना अब तक भोगा हमने, हाँ। चूंकि बचपन से भोग रहा हूँ, अच्छा। और आज तक जो है कहीं भी कोई भी कर्म, मतलब शोषण हुआ, इस समय कुछ नहीं बचा, इस समय यहाँ तक स्थिति है कि घर भी चला गया, जमीन भी चली गई, घर जमीन भी जो मेरे नाम से थी वो षड्यंत्र में भाई के नाम हो गई, ये स्थिति वर्तमान स्थिति। हाँ, तो पूरा मकरूए रहोगे फिर और कहा। तो कुंडली बनी नहीं, अच्छा। तो अब समस्या और केवल 2 लड़कियां हैं अभी तक, अच्छा, लड़के हुए नहीं। कोई भी काम करता हूँ वो सफल नहीं होता है। आपका वीडियो मैंने जब देखा तो आपने उसमें दिखाया था, बताया था कि मोबाइल नंबर से लेकर और जितने नंबर आप चलाते हो सबका कैलकुलेट करके देखो कितना नंबर कितना अंक फोटो लाता है, अच्छा। तो उसको हमने जोड़ डाला सब, लिख के लाया जी, जी। तो 100+ नंबर आया जी। और उसमें जो है ये 107 कितना, 108 कितना नंबर आया है ये, और ये नीचे जो दिया हुआ है ये अंक और वार दिया हुआ जी, है, तो जी, उसमें उसमें देख रहा हूँ कि 7 तो बहुत ज्यादा है, 15 है, फिर 16 बार 0 है, तो ये कहाँ से क्या है, और
पिताजी बता एक बार बताए थे कि राशि का नाम भोलानाथ है, तो भोलानाथ के नाम से तो वो आया जो है कि मकर राशि हो गई। हाँ। जो जो घटनाएं घट रही हैं हाँ। वो भी लगता है कि मकर राशि हूँ। तो तीन प्रश्न हमारे समय वर्तमान के हैं। एनजीओ खोला वो भी बेकार चली गई, वो भी फेल हो गया। पक्का है, पक्का मकरू हो। एनजीओ खोले बेकार चला गया तो 100% मकरू हो, और कोई नहीं है। तो अरे अपने ही लोग, जो लोग जो हमारे अंग थे वही बेकार हो गए, वही शोषण करने लगे। मतलब जो जो आप मकरू के लिए बोलते हैं 100% बैठने लगता है। जी 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 जी। तो पहला ये कि ये औरत है तो हम तो मान लिए हैं कि लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं, तो कभी कभी हो। संतान का मामला ऐसा है, सबसे पहला तो बेटा बेटी का अंतर मन में नहीं होना चाहिए। और इस कलयुग में हम लोग कोई भी महत्व तो उसका नहीं है। और सबसे पहले इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाला 18 साल, मुश्किल से 8 साल और 8 साल 16 साल, बीच में 2 साल गुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, और साथ में अभी 2.5 साल मीन शनि है, और मीन शनि का पहला सितंबर महीना तक जब तक राहु शनि मीन राशि में रहेंगे, ये टोट कुल मिला के गुरु बृहस्पति कर्क राशि तक जाने पार होते हैं। हम लोग सब जिंदा रह गए तो बहुत अच्छा बात है, और अगर जो देश का और विश्व का परिस्थिति बन रहा है इस समय, विश्व युद्ध हुआ या फिर जो ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, बीचों बीच पहुंचा है, या अगर वो हमारे जो मुख्य उत्ताप रेखा है उसको क्रॉस कर गया तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से फिर आप कहाँ हम कहाँ, ठीक है। चौथा मालिका शास्त्र भी बहुत भयंकर रूप में बता रहा है अभी इस समय कि ये एक खंड प्रलय का मुहूर्त है, सत्ययुग से कलयुग से सत्ययुग का आयरा में जाने का समय है। तो इसमें बहुत कुछ हम सभी को ध्वंस प्रलय बर्बाद देखना पड़ेगा, और इतने मरेंगे कि उसका हिसाब नहीं है। गुरु बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं तो आप कोरोना का तो 4 साल देख लिए हिस्ट्री, और इस समय आगे हम लोग खुद रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो बेटा बेटी का क्या सोचना है, ये पहला है। और अगर बच भी गए और ये सब पकड़ लो भगवान की कृपा से, ये जो महानक्षत्र, एक जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसमें और एक कंसेप्ट है महानक्षत्र का, उसके बारे में कभी मैं छेड़ा नहीं। अच्छा, उस समय 2 सूर्य निकलेंगे, 7 दिन तक अंधेरा होगा, और ये तो दिख रहे हैं, और उसका बड़ा भयंकर जो प्रतिबिंब, उसका जो सिग्नल है वो दे चुका है। वो क्या है कि जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आप बहुत भाग्यशाली हो कि दर्शन करके आ गए और भगवान जगन्नाथ से यहाँ आ गए एकदम माँ काली के पास। तो जगन्नाथ मंदिर के जो पतित पावन जो फ्लैग है, जो पताका है, जो झंडा है ऊपर जो लगा है, आपकी कृपा से आपने कहा था कहाँ लगाना चाहिए तो हमने लगवाया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो उसके ऊपर एक बाज पक्षी बैठ चुका है जो कि मंदिर के हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं आज तक, और वो 600 साल पहले जायफूल मालिका और श्री अच्युत मालिका में लिख दिया गया था कि ये बैठ गया तो समझ लो कि आपका द एंड हो गया, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, समय आ गया। तीसरा, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना गम्बुज के ऊपर जो बड़ा सा ऐसा रहता है उसमें से पत्थर गिर चुका है, तो उसका भी जितना बार बोला था उतना बार गिर चुका है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर रक्त का छीटा गिरेगा तो वो भी गिर चुका है। तो ये जो जो मालिका में लिखा था आकाश लालिमा हो जाएगा, वो भी हो चुका है। अब एक हीराकुद डैम का मैं वीडियो दिया था, आप देखे होंगे नहीं होंगे, तो हीराकुद डैम भी फट चुका है। तो जो भी मालिका में लिखा था सब कुछ हो चुका है, अभी इंतजार है बस आगे क्या होने वाला है। तो इस क्षेत्र में हम लोग बेटा देखें, बेटी देखें, संपत्ति देखें और भविष्य देखें। इसका मतलब नहीं कि कर्म नहीं करें, आखिरी श्वास तक कर्म का, आप लोग वीडियो क्यों बना रहे हो, सब तो खत्म हो जाएगा। तो
कर्मयोग के अनुसार आप जब तक श्वास में हो, जब तक शरीर में हो, जीवित हो, तब तक कर्म करिए, लेकिन इस भाव से करिए कि अनित्य है और न था, ना रहेगा, ना होगा, और जो है वो चला जाएगा। दिस सल पास अवे। और माता रानी के पास भी यही बोलना है कि यथा यथा योग्यम तथा कुरु। कुछ नहीं चाहिए, ना मोक्ष, ना आकांक्षा, ना मोक्ष भी नहीं चाहिए भाई। कुछ देना है तो थोड़ा भक्ति दे दे बस। और जो आदमी भक्ति मिल जाए उसको, खिले भक्ति में शक्ति यह प्रभु यह प्रार्थना मेरी। ये सुना था स्वामी निरंजन जी महाराज मुंगेर, सत्यानंद सरस्वती के शिष्य। ऐसे संतों का दर्शन आंख में एक बार गिरे, किस्मत वालों का करता है। जिस दिन ऐसे संत को देख लोगे तो और जिंदगी में दूसरा संत देखने का आवश्यक नहीं रहेगा। एक ही बार दर्शन हुआ निरंजन स्वामी का, तो इसी भजन को गाए थे और ब्रह्म ज्ञान हो गया मेरे लिए। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस खिले भक्ति से शक्ति यह। और ये भक्ति भागवत जी में भी यही बताया गया, हरि नाम हरि नाम हरि नाम क्यों नहीं। मैं आज तक किसी को नहीं बोला कि भाई मंत्र सिद्धि करो, एकदम साधक बन जाओ, तांत्रिक बन जाओ। मैं नहीं बोला, कलयुग है भाई, अल्पायु है हम लोग, यहाँ कहाँ टाइम है किसी को सिद्धि बनने के लिए। हाँ, हम जैसे पागलों को अगर कोई गुरु मिल गया, ऐसे पागल गुरु आप तो देख ही लिए, ठीक है, वो बेवड़े को हम बेवड़े, ठीक है, तो ऐसे ऐसे गुरु मिल गया तो फिर शानदार पूजा हुआ। हाँ, तो ये तो माई का खेल है। तो ऐसे मिला तो हम लोग बचपने से इस लाइन में पड़ गए, लेकिन हम किसी को नहीं बोलते कि भाई तुम लोग साधना करो। हम बोलते हैं भगवान का नाम लो, कलयुग है, थोड़ा सा नाम जप करो, मंत्र मंत्र सिद्धि उद्धि जप मत करो। मेरे को हजारों लोग आते हैं तो भगाते हैं हम, बोले ना 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 भाई, कलयुग है भाई, केवल भगवत नाम काफ़ी है, और कुछ मिल जाएगा, भक्ति का फूल खिला। तो क्या ग्रह नक्षत्र, क्या कुंडली, और क्या हस्त रेखा, और क्या कपाल रेखा, और क्या न्यूमरोलॉजी, माई सबको रोंद डालती। तो उसका करुणा हुआ तो पक्का हो जाता है। मैं तो असंभव लोग जिनका संतान नहीं होने वाला जिंदगी में देखा हूँ, संतान होते हुए गया है। ठीक है, तो योग है, परंतु ये कह रहा है कि कलयुग काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, सर्वानंद करे देवी महाकाली नमस्ते। तो दो साधनाएं, तीन साधनाएं हैं संतान प्राप्ति के। एक तो बाल गोपाल का है, ठीक है, उसमें कर सकते हो। दूसरा काली संतान पुत्र प्राप्ति एक बहुत बढ़िया स्तोत्र है, हरदिन शाम को किया जाता है। और तीसरा भगवान नृसिंह, ये तीन वह शक्ति है जो संतान दे सकते हैं आपके कुंडली के अनुसार। काली और नृसिंह को मैं कहूँगा, साथ में थोड़ा सा बाल गोपाल का भी अगर कर सकते हैं अनुष्ठान। और मैं कहूँगा कि ना नहीं है हाथ में, ना नहीं है। अगर पुरुष तत्व ग्रह आपके कुंडली में नहीं तो आपके हाथ में पकड़ लो माउंटेन, ठीक है। मेल प्लैनेट, मेल प्लैनेट में सूर्य भगवान, मंगल भगवान, गुरु बृहस्पति, ये सब प्योर मेल प्लैनेट है, पुरुष कारक ग्रह। चलो बृहस्पति डैमेज है थोड़ा सा, लेकिन सूर्य का है थोड़ा सा, मंगल थोड़ा डाउन जरूर है, लेकिन लाइन वाइज वो ठीक है। इसमें पुत्र संतान दिख रहा है, इसमें कोई और होने का विषय नहीं है। तो ले देखिए बृहस्पति का खेल नाटक है। तो बृहस्पति कंसर्ट करता है विष्णु भगवान, विष्णु भगवान नृसिंह भगवान, विष्णु भगवान बाल गोपाल। तो ये बाकी शुक्र ठीक है, ओके। लेकिन हाथ और चेहरा और आपसे बातचीत, कुंडली नहीं होने के बावजूद भी आपके यहाँ पर जो जिस समय मेरा आपका मिलन हुआ, जिस समय आपका मैं पहला दर्शन किया, वो समय बोल देता है कि क्या है। तो थोड़ा सा पितृदोष का भी योग दिख रहा है, योग दिख रहा है, दोष नहीं दिख रहा है ना। तो पितरस के लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। पितरों का आशीर्वाद चाहिए, माई का आशीर्वाद चाहिए, बच्चा हो सकता है, ठीक है। और सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम तो एक नंबर, आपके वहाँ पंडित जी लोग होंगे या आप यूट्यूब से भी देख के कर सकते हो, बाल गोपाल सहस्र नाम का एक हवन करके बाल गोपाल मंत्र का प्रारंभ कर देंगे, ये पहला काम। दूसरा ये है कि गाय का, अगर एक देसी गाय ले आए हैं, अगर आपके आसपास संभव हो तो, छोटा हो बड़ा हो, सेवा करें, दूध दही का आशा मत करें,
केवल सेवा करें उसका, चारा चारा वगैरह वगैरह गाय में उसका, और डेली उसके सामने घुटने के बल पे प्रार्थना कर लें मैक्सिमम। ये जो अभी तो मैं नहीं कहूँगा कंसीव करिए मतलब गर्भधारण का संस्कार करिए बोलते, कारण शनि राहु इकट्ठा होंगे। अभी देखिए 90-90 शनि राहु मिले लास्ट, तो उसके बाद भी मिले 90-90 में उग्रवादी और माओवादी लोग और कश्मीर का पंडित सबका हालत पस्त कर दिया पूरा, कितना बड़ा सब हुआ। तो ऐसे आने वाला समय देखने के लिए मिलेगा, हालांकि मकर राशि में बहुत देर तक मिले थे, यहाँ कम समय मिल रहे हैं, लेकिन इस कम समय के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे जन्म होंगे जो अभी क्या नाम है सलमान खान को मारने का चक्कर में, क्या नाम है उसका लॉरेंस विश्नोई, तो देखिए उसका भी मैं कुंडली देख रहा था, उसी समय का बेचारा का जन्म है, तो यही आउटपुट है। तो थोड़ा सा इंतजार कर जाइए कि ये टाइम पार हो जाइए, कब तक जाएगा ये, सितंबर के बाद ठीक है, तब तक आप साधना करिए। लेकिन याद रखिएगा कि संभव हो तो देसी गाय का घी इसका नाक में डालना, नाभि में डालना और सेवन करना बाल गोपाल मंत्र के माध्यम से और गौ माता का सेवन से सब हो जाएगा। और विज्ञान अभी बहुत बढ़ा हुआ है, उसका भी एक टेबलेट आ रहा है, मेडिसिन आ रहा है, ट्रिपल एक्स करके ना क्या एक्ट आ रहा है, आप देख लेंगे नेट में पुत्र का, एलोपैथी मेडिसिन है, फेलियर नहीं है। हमारे यहाँ बड़े सारे वही बेमन सिंह यादव लोग एकदम खा पी के एकदम बच्चा है बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो ये कोई आज के डेट में बड़ा विज्ञान नहीं है, ठीक है, तो संभावना इस दे है, कोई बात नहीं। और बोलिए, शुक्र पर्वत में दो त्रिकोण पड़े हुए हैं तो मीडिया क्षेत्र में अच्छा है। देखिए YouTube से मैं खुद कमा रहा हूँ तो आपको कैसे नहीं कहूँ कि आप ना करें, नहीं हमारे लिए जो सटीक वेट था वो बताइए। हाँ, नहीं सटीक देखिए ये जो सटीक फेल हो रहा है, अब तक फेल बहुत हुआ है, किसी भी क्षेत्र में फेल ही गया, बता रहा हूँ। देखिए जिंदगी में कोई आदमी फेल क्यों होता है, और अगर विगत 7.5 साल के अंदर आपका फेलियर हुआ है तो 7.5 में तो 99% मकरू फेल है, आप फेल होकर कौन सा महान काम कर दिए, ठीक है। दूसरा ये फेल इसीलिए हुए हैं 7.5 में कि भगवान बता रहा है, शनि बाबा बता रहे हैं कि बेटा तुम किसी और काम के लिए जन्म हुआ था, कुछ और कर रहे हो, हमें आपका ये काम पसंद नहीं है, एक बात। दूसरा पकड़ लो ये काम पसंद है भी तो कुछ ना कुछ आप बेईमानी किए हो, हाँ, जिसके कारण बैवान सिंह यादव बने, फिर आचार्य संजय का बचपन से ही दुष्टता जो जो जितने गंदे काम है तो, तो आपका तो गुरु वही चारा घोटाला वाला बैठा हुआ है, मेन यादव तो वही बैठा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है ना कि तो आप लोगों की आशीर्वाद था, ईश्वर कृपा थी कि 20 साल पहले हमको गायत्री मंत्र के में जो है किसी ने दिलवा दिया, तो उसी से जब गायत्री मंत्र जाप करने लगे जी। तो शराब कबाब चोरी बेईमानी ठगारी और हाँ। ये अय्याशी मैंने दुनिया का जितना गंदा काम जी तो वो सब कंट्रोल हुआ, लेकिन प्रायश्चित अब जब जो जो पाप हो गया है वो सुधरने नहीं दे रहा है जी। देखिए एक बात बताते हैं आपको, भगवान कुछ भी कर दे पेट मारेगा नहीं, ठीक है। दो चीज होता है, एक नीड दूसरा होता है ग्रीड। नीड माने आवश्यकता, ग्रीड मीन्स माने है कि आपका वो जो राहु वाला भूख और आहू आहू और चाहिए, तो ये जो आहू आहू वाला कभी किसी का रहा नहीं। मैं इस एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में मेरा 42-43 साल का उम्र हो गया, बचपन से दादा लोग सिखाते सिखाते आए, और ये जो चार देख रहे हो ये वाला, इसको थोड़ा पहचान के रखिएगा, ये लकड़ी को देखने से पता चल जाएगा, मेरा दादाजी बैठा करता था, ठीक है। तो उसी गद्दी में मेरे को दिया है, उस विरासत में मिला है, मतलब ये 150-200 साल पुराना लकड़ी से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी चेयर में बैठते बैठते बहुत से लोगों को देख लिया, बड़े बड़े अरबपति खरबपति तरबपति मरबपति सब भिकमंगा होकर घूम रहे हैं, आप हम कौन, एक बात है। दूसरा एक तरफ अंबानी को देख रहे हैं, दूसरा अंबानी को भी देख रहे हैं यार, विरासत में तो दोनों को मिला,
भाग हुआ संपत्ति, और एक समय में वो कहाँ था, उसके सामने तो ये अंबानी कुछ था ही नहीं, और आज वो कहाँ है, बेचारे का लाला पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट बोल रहा है बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दो कुछ मिल जाएगा, तो वो भी नहीं कर रहे थे, आगे आशा है कि कुछ हो जाएगा, 7:30 ही खत्म होने दो ठीक है। तो बाप यहाँ सबसे पहला विषय बिंदु है कि जिंदगी में ना किसी को ये, इसलिए इसका नाम है संसार, इसलिए इसको बोलते हैं दुनिया। मुट्ठी में बालू पकड़ो तो गिरने लगता है, उसको बोलते हैं संचरती, मतलब संचर अपसरित हो जाता है। तो ये कहना कि इस जिंदगी में और क्या कमा लूंगा, एकदम राइट उंगली रख दीजिए और हम एकदम हो जाए, होना होता तो हो चुका होता है यार, अभी काहे रोना धोना था, और जिंदगी में कितना दिन बचा है। तो भगवत नाम हो, मैं तो हर दिन माई को प्रार्थना करता हूँ, बहुत दे दिया माई, बहुत असंभव दे दिए हो, इतना जमीन जायदाद घर बाड़ी कमा क्या करें, अभी कुछ देना है तो आखिरी जिंदगी में भगवत नाम लेते लेते चलें, आखिरी में भगवत नाम लेते लेते जितना बाकी 30-40-50 साल जिंदगी है उसमें भगवत कथा कराओ, बहुत कुंडली बांच ली एकदम, कभी कभार तो एकदम उग जाते हैं हाथ तेरी की कुंडली और ये सब, लेकिन कर्म है करना पड़ेगा, कर्म को छोड़ के नहीं जा सकते हो। यहाँ आपका प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आप बोले कि एग्जैक्ट बता दीजिए कि ये करेंगे कि वो करेंगे, एक बात बताइए, जो करना होता तो सामने आ ही जाता है, अगर आप कुंडली से कंफ्यूज हो या हाथ से कंफ्यूज हो, और ये बोलो कि मैं जिंदगी में जिस काम में किया वो गिर गया, ठीक, किसका नहीं गिरा है तो लेके आइए, हम पूछ रहे हैं एक दो आदमी हमको ला के दिखाइए जो ये बोल दे कि हम इस काम किया और मेरा नहीं गिरा, हम आज तक सस्टेनेबल एंड स्टॉक लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। 2% लोग बोलेंगे जो लोग जिंदगी में धर्म धारण करके चल रहे हैं, 2% जरूर मिलेंगे, लेकिन 98% नहीं मिलेंगे। जो 2% है उनका कुंडली में ग्रहों ग्रह बल इतना मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, ऐसे पावर में ग्रह जन्म होंगे, ऐसे समय, ऐसे लग्न, ऐसे राशि मिल गया होगा, ऐसे दशा मिल गया होगा फेवरेबल, लेकिन हम तो इस सीट में बैठते बैठते 42-43 साल पार कर दिए हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन देखेंगे इस संस्था का तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पुराना चल रहा है, कोई मजाक है इस युग में इतना साल काम करना। तो हम तो एक भी आदमी को नहीं देखे हैं कि जो रोना नहीं रो है कि मेरा सब चला गया 7:30, और आपका ही नहीं, हम सिंह राशि से फॉलो करते करते हैं, 7:30 का ज़्यादा इफेक्ट सिंह राशि से पड़ा, उसके पीछे भी रहस्य था, आपको पता होगा सिंह राशि में 7:30 में शनि राहु का मिलन हुआ और उसके बाद से मूवमेंट चालू हुआ, और उधर से यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का जो डायरेक्शन बना, तो इस 100 साल में सबसे ज़्यादा जो शनि राहु का कंजक्शन बनने के बाद उस सिंह राशि के बाद से 7:30 में बड़ा डिस्ट्रक्टिव 7:30 हुआ है और आगे और बनेगा। आपको मकरू वाले तो चलो आंसू रो रहे हो, देख लेना मीन और मेष वाले खून का आंसू रोएंगे और विकट स्थिति हो। तो ये कहना कि हमको बस गुरु जी केवल क्षेत्र इंगित कर बता रहा हूँ ना, वही आ रहा हूँ, उसी क्षेत्र में ही आ रहा हूँ ना। आप बोल रहे हो कि मेरा सब वीडियो देखते हो, तो ये भी समझ जाना जरूरी है कि मैं कई बार बोला हूं कुंडली देखने के लिए पहला है लग्न से देखिए, दूसरा चंद्रमा से देखिए, चौथा सूर्य से देखिए, पांचवा बिंदु कुंडली से देखिए, चार जगह। एक आदमी बोलता है कि मेरा करियर कहाँ है गुरु जी, देखा कि हाथ में 2 त्रिकोण पड़ा हुआ है, एक शुक्र माउंटेन और शुक्र माउंट से ऊर्ध्व में 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कैरियर दशम स्थान, तो दशम स्थान में जो बलि रहेगा, सूर्य से जो बलि रहेगा, चंद्रमा से जो बलि रहेगा, या लग्न से जो बलि रहेगा, बिंदु कुंडली से जो बलि रहेगा, वो तो ऑलरेडी आपको ड्राइव करके पहुंचा ही देगा ना। क्या क्या बिजनेस किए, एनजीओ खोले और क्या किए, अरे एनजीओ खोले और फिर एक बार सर की फैक्ट्री लगाने को खेती भी हो, खेती करा दी, राजनीति में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन राजनीति करते थे। देखिए ये सब क्या है, कहे एक नहीं किए, चार चार किए, कौन कराया, यही कुंडली का चार स्थिति से चार चीज कराया, ये तो सर्वविदित है।
आप नहीं भी बोलेंगे कि घर में बंद करके रहेंगे एकदम ताला वाला दे के हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी खींच के वहां काम करवा देगा। इसी का नाम ग्रह वेग, ग्रह बल कहा गया। तो अभी आपके मन में विचार आ रहे हैं कि यूट्यूब करें कि एनजीओ खोलें कि खेती करें, काहे आपका मन में नहीं आया आटम बम का सेट खोले एकदम AK-47 बेचें और बढ़िया बढ़िया उग्रवादी माओवादी बनाएं? आपका कुंडली में है नहीं, आपके हस्तरेखा में है नहीं। तो जो भाव रखे हैं कि आपको यूट्यूब वगैरह करना है, जरूर करना चाहिए। नॉट ओनली यूट्यूब, यूट्यूब ऑटो प्ले, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, ट्विटर और हिप्पी, ये जितने सोर्स से पैसे आ रहे हैं सब में करें। नहीं करना आज के डेट में बड़ा बेवकूफी है। मेरे कुंडली में है या नहीं है, लेकिन करो और दबा के करो। आज यूट्यूब नहीं होता आप आते? आज यूट्यूब नहीं होता अमेरिका से आते लोग आपके सामने? तो पेरिस वाली आके बैठी है यहां। कहां पेरिस? यहां इंडियंस भारतीय लोग नहीं आते हैं, पेरिस से माई आके यहां मां काली का पूजा कर रही है। तो गोरी वाली, गोरी मैम इंग्लिश में जिसको समझा रहे थे, कहां पेरिस का देश, वहां से यहां आके बेचारी ओम नमः शिवाय नहीं बोलती, भाई ओम नमः शिवाय, ओम नमः तिबा, यो भी नहीं उच्चारण कर पा रही है वो। कहां देखो पढ़ के यहां मां काली का रात भर, अच्छे अच्छे लोग रात को भाग गए, आधा पूजा हुआ कि नहीं उड़ के भाग गए सारे, और जो लोग बैठे थे उनका जिंदगी में दुख था इसलिए बैठे थे, जिनका समस्या था रात भर बैठे थे। हमारा क्या दुख, हम काहे बैठे हैं फिर? मेरा गुरुजी का क्या दुख, वो काहे बैठे हैं फिर वहां? तो अगर वो कर सकते हम नहीं कर, तो बाप जरूर करिए। चले नहीं चले, चलेगा दो त्रिकोण है चलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ये भी कोई छोटा खेल नहीं है, कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे। तो जो लोग कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा लग के भी, यूट्यूब में बहुत सारा स्टडी ट्रेनिंग वीडियोस है, उन सबको बढ़िया से देख के करिए, जरूर करना चाहिए। दूसरा रह गया, खेती इज द बेस्ट पाथ। ऐसी कंडीशन में कौन सा औषधि खेती, अगर आपका जमीन नहीं है तो जहाँ आसपास जमीन मिल जाए करिए। देखिए किसी जमीन में चार महीना चार महीना चार महीना तीन चार महीना ईमानदारी से अगर मेहनत करते हो ना, तो साल भर के अंदर अनुभव और शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि एक बार में कोई सक्सेस नहीं हो जाएगा, मैं मानता हूँ 100%। तो पकड़ लीजिए कि एक एकड़ में अगर कोई आदमी चार महीना में एक फसल तो हो जाता है, मेडिसिनल फार्मिंग से लेकर नॉन मेडिसिनल फार्मिंग तक। तो एक तरफ मेडिसिनल फार्मिंग क्या है, एक बार मेहनत किया जिंदगी भर कमाया। दूसरा यह है कि देखिए आज के डेट में भाजी साग जानते हैं, पालक बथुआ इस प्रकार का साग, इसका जो रेट है आप देखेंगे मार्केट में तो बहुत ह्यूज अमाउंट चलता है। एक एकड़ जमीन पे अगर कर लेते हैं तो 45 दिन के अंदर 1,00,000 रुपया तक कमा सकते हैं। और सीखो ये वगैरह कहाँ कहाँ और सारे चल रहा है, एक एकड़ जमीन से 25 लाख साल का कैसे कमाना है। मैं 55 एकड़ जमीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब ताम झाम से मेरे पास उतना फुर्सत नहीं कि हम वहाँ फोकस कर सकें। लेकिन मैं विगत कितना साल से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एग्रीकल्चर वाला प्रोजेक्ट, अंबा वाला प्रोजेक्ट 2007 से। तो इतना दिन से मेरा अनुभव है कि एक आदमी अगर ईमानदारी से मेहनत करेगा तो 100% साल का 25 लाख आंख बंद की कमाएगा। और धरती में सब बिजनेस बंद हो सकता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, तीन बिजनेस कभी बंद नहीं होगा जब तक इंसान का वजूद जिंदा है। और वो क्या है जिससे इंसान चलता है, वो क्या है? भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान। औषधि भी जरूरत नहीं है, अगर सही भोजन हो जाए ना तो कोई बीमार पड़वो नहीं करेगा। तो रोटी कपड़ा मकान का बिजनेस हमेशा टारगेट बनाइए। कोरोना के टाइम में आदमी कपड़ा नहीं पहनने से भी जी सकता था, ये तो सिखाया हमको भगवान ने। मकान नहीं है नीचे किसी कहीं भी छत के नीचे पेड़ के नीचे सो सकते हैं, ये नहीं तो ये जरूरी है। और शुक्र माउंटेन में अगर दो दो त्रिकोण बैठा है और मैं बोलूंगा कि भोजन का बिजनेस मत करो तो किसका बिजनेस करोगे? खेती नहीं करो तो फिर कौन सा करोगे? ठीक है, बाकी रह गया राजनीति, इससे थोड़ा सा दूरी बनाना है। लेकिन नहीं करना है तो गलत, कलयुग में तो बड़ा पाप है। राहु पर्वत में एक रेखा है,
राजनीति की तरफ खींचा है, मजबूत नहीं है, ऊपर जाके डाउन हो गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीति में थोड़ा दिया है, दिमाग लगा के ना उसको कहाँ से नचाना है जरूर नचाइए, मना नहीं है, अच्छा है जिसकी ज़िंदगी में ये है। तो जन्मांक कितना हुआ आपके हिसाब में? 25/7/82 जो नया 5/2/7 हो गया। हाँ, सात हर जगह सात। हाँ तो ठीक है, नंबर भी सात मिली थी, कोई बात नहीं, इसी को देख लीजिए। हाँ, तो हमारा मोबाइल नंबर और कौन कौन इस नंबर के हिसाब से कौन कौन से ग्राहक क्या कैसे क्या करना है, क्या सूट करेगा, तो यही दुरुस्त करवा दीजिए। घर का नंबर कितना है? घर का नंबर कितना? 36 कितना होगा लिखा होगा कहाँ लिखे? हाँ 36, मकान नंबर 36, 6-3-9, ठीक है। ओके, सारा कुल मिला के औसतन नंबर कितना आ गया? ज़्यादा नंबर कौन सा है? ज़्यादा नंबर 7 का होगा। अच्छा, क्या क्या नंबर थोड़ा पढ़िए तो, एक नंबर ऊपर में कौन कौन सा नंबर बोलते जाइए मेरे को खाली। कोई चश्मा लेते हैं। अच्छा, अभी चश्मा से हो गया क्या? कितना नंबर में? कुल अंक 107 है। हाँ, ऊपर में क्या लिखे? एक नंबर लाइन बोलिए। 25/7। अरे वो वाला नहीं, ये यहाँ से पढ़ते ये, ये, ये सात नंबर 15 बार है। सात नंबर 15 बार है। हाँ, सात अंक 15 बार है। हाँ, 8 अंक 6 बार है। हाँ, 9 अंक 7 बार है। 6 अंक 10 बार है। 5 अंक 11 बार है। 4 अंक 8 बार है। 3 अंक 12 बार है। 2 अंक 9 बार है। 1 अंक 13 बार है। 0 अंक 16 बार है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा केतु से ग्रसित हैं, तो आप तो झंडा लगा के आ गए हो अभी। हाँ वो तो, हाँ तो आप देखिए चमत्कार क्या होता है, और एक झंडा पूजा कर लीजिए रेगुलर, एक झंडा रख के, ठीक है। और केतु क्षेत्री जिसका जिंदगी में 7 नंबर ज़्यादा आ रहा है कहीं भी नंबर में जिंदगी का, जैसे ये बहुत अच्छा काम किए हो आप, तो बढ़िया एक रिसर्च आपके हिसाब में, सारे नंबर, गाड़ी का नंबर, आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ATM नंबर का, और खाता नंबर पे गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, और पिन कोड नंबर, सब नंबर मिलाए हैं, और इन सब नंबर में से ये निकला। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ विषय बिंदु जो नंबर आपका सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये एक, दूसरा मुख्यतः आपका जो घर का नंबर, ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं। घर की स्थिति है, घर ही नहीं है, जो घर बना वो भाई के हक में चला गया, और मैं पत्रा रख के इस समय। हाँ तो कोई बात नहीं, 7-9 के 7 तो 36 का आंकड़ा बनता है कभी कभार, ठीक है। और ये 36 मकान नंबर लिख दिए हैं तो 36 का आंकड़ा है, और 3-6 का तो बड़ा जनरल दुश्मनी रहता है, 3-6 वाले बहुत कम रहते हैं। 3-6 3 नंबर गुरु का हो गया, 6 नंबर शुक्र का हो गया, तो दोनों में टसल रहता है, तो भाई ले गया तो कौन सा महान काम करते हो, मिल जाएगा, चिंता मत करिए। मकरू वालों को आगे समय में मिलते हुए बड़ा भयंकर भारी योग है, अभी तो मंगल डैमेज है, उसके बाद देखिए बहुत सारा चमत्कार होगा। सबसे पहला, अयोध्या जी में रहते हो, उतना पावन भूमि है, राम जी का भूमि है, 7 अंक का अल्टरनेट मोटो क्या जानते हो? कुछ नहीं पता है। एक ही है, अध्यात्म नित्या, स्पिरिचुअल लाइन से पैसा कमाना। देखो आपसे जब देखा एकदम, तो पहला दिमाग में हम लोगों का जो स्क्रीन में आता है ना, ये बेटा कथा प्रवचन ऑर्गेनाइज कर सकता है, इसके अंदर तक कथा है, ये पहला भाव आया था, ठीक है। कि दूसरा, इसके ऊपर मैं बहुत बहुत सारा वीडियो दिया हूँ, एक आदमी अगर कथा प्रवचन ऑर्गेनाइज करना चाहे तो पकड़ लो, 1000 दुकान आपके पास है, और 1000 दुकान से अगर 100-100 रुपया भी कलेक्शन करते हो, तो एक छोटा सा प्रोग्राम अनुभव के लिए, क्योंकि इसमें हाथ से कुछ जाने वाला नहीं है, और हम लोग जैसे, हमारा लक्ष्य है कि लोगों तक सदविचार पहुँचाया जाए। लोग क्या बोलते हैं उसको, आज बेचारे अज्ञानता के कारण दुखी हैं, पापी हैं, और पीड़ित हैं, और कष्ट में हैं। आप जैसे, आप YouTube देख लिए, बाकी लोग नहीं देख पाया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो YouTube पता नहीं, बिलीव भी नहीं करते अभी भी। अगर 100 आदमी वीडियो देखते हैं इंडिया में ना, तो मुश्किल से 30% इस सिस्टम को बिलीव करते हैं, 70% आज भी नहीं करते हैं।
तो उन तक पहुंचना है, उनको बचाना है, उनको बताना है, उनको आध्यात्म मार्ग में लेना है, इसी काम तो करते हैं कि हरिनाम के माध्यम से चले। तो एक तो यू ऑर्गेनाइज कथा प्रवचन, आपके पास बाबाओं का कमी नहीं है, और बड़ा कमाई होता है। बाबा बिजनेस मैं खुद करता हूँ, आई एम नॉट बाबा, साफ बोलता हूँ, लेकिन बाबा बिजनेस में कमाई बड़ा भयंकर है। एक और जो जन्म ही हुआ है कमाई के लिए तो करना चाहिए। अगर आपको ये बताया गया है कि आध्यात्मिक काम करके पैसा कमाओगे, तो ऐसे कंडीशन में हाथ का स्थिति क्या कह रहा है कि दसमाधिपति अष्टम नवम का है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी करने, लेकिन मेरे को ग्रह जबरदस्ती कराते हैं, जन्म से कराते हैं, बचपन से कराते हैं, तो मतलब क्या है? मेरा 10th लॉर्ड इन 9th हाउस, तो मेरे को इस लाइन पे आध्यात्मिक, मेरे को थोड़ा सा शुद्ध ले आया, थोड़ा सा हाथ में अगर गंदा कचड़ा करके बैठा था, तो हम भी पत्थर उत्थर बेचते रहते हैं, लोगों को बकवा बनाते रहते हैं, राहु का इन्फ्लुएंस आ जाता है उसमें। लेकिन मेरा राहु के ऊपर गुरु बृहस्पति का फुल पावर में बैठा है, तो फिर किसी का नहीं मारना है भाई, सबका कल्याण कर दो। और थोड़ा हम बैमान सिंह यादव हो जाते तो अभी आप आते ही नहीं हैं, ठीक है। एक भरोसा, एक विश्वास है कि हम आचार्य संजय के पास जाएंगे तो चलो ठीक हो जाएगा। तो कुछ नहीं, आपके आप जैसे मेरे गुरु के पास भी बैठ गए तो भी आपको आधा तो सफाई हो ही जाएगा, क्योंकि साधक लोग हैं, दिन भर वही पागल पूजा, अभी भी जाओ पूजा करने बैठा होगा, सब सोए होंगे घर में, वो बैठा होकर सुना सुहा करते रहेंगे वो। तो ये तो है ही, इसमें एक ही विषय बिंदु है। एक दूसरा क्या, ऐसे पावन भूमि में रह के तीर्थाटन का ग्रुप लेके लोगों को घुमाना, बहुत से लोग हैं, आप बोल गए आज का इंटरनेट युवा में कौन घूमता है ना, बहुत से लोग हैं। जैसे अभी पुरी आ गए, आप मेरा आश्रम यहाँ पर है, अब वहाँ से चलो पुरी घूमने चलो, वेद व्यास धाम यहाँ पर है जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक पीठ है, वेद व्यास धाम है, ये समलेश्वरी माता है, तो पूरा आप हमारे मार्फत में पूरा उड़ीसा घुमा सकते हैं, आपका यहाँ सेंटर हो गया। आप ये जो ट्रेडिशन भारत का सबसे पुराना है। अच्छा गुरु जी, हाँ समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो आपको करना पड़ रहा है। मैं गायत्री मिशन से जब से जुड़ा हाँ। तो पिछले 20 साल से हाँ। मैं हरिद्वार 100, 75, 80 60, 65 ऐसे लेकर जाता हूँ जो है वहाँ वहाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको देखते ही मेरे दिमाग में यही सब एकदम स्क्रीन जैसे आ गया। और नौ दिवसीय जो है साधना करवाता हूँ, 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान सब करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उससे पैसा कमाऊती है तो संभव नहीं। अभी पंडित के साथ मिल गए ना, तो जब अभी कमाओगे, कल तक नहीं कमा रहे थे अभी कमाओगे। नहीं डर लगता है कुछ, नहीं डरना नहीं, हमको पैसा कमाना, क्या बात है यार, हम पूजा करें पैसा पॉकेट में नहीं रखेंगे, मतलब क्या होता है, धूल खा के फाक के बचेंगे। अब लोग पूजा करते हो डर लगता है दक्षिणा लेने के लिए, हम तो दक्षिणा लेने के लिए पूजा करते हैं भाई, ईमानदारी से है। तो बेईमानी थोड़ी है, बोले तुम्हारा कुंडली दिखेंगे, मेरा इतना फीस है। आप ईश्वर की कृपा है कि ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए, हम तो यादव के यहाँ पैदा हुए, तो क्या प्रॉब्लम, हम भी दान, यादव तो कृष्ण भगवान हो गए ना, नहीं तो हम दान ले सकते हैं क्या। देखो दान थोड़ी की बात कर रहे हैं, फीस का बात कर रहे हैं, दान कहाँ बोल रहे हैं हम, आपको कौन बोल रहा है दान खाओ बोल के, कोई नहीं बोल रहा। अब सीधा सा बात है, आप यहाँ किसी यहाँ जितने लोग आते हैं कुंडली दिखाने, पंडित जी कुंडली देखो, यहाँ दिन भर बैठ के कुंडली देखो, कोई लाया 50 रुपया, कोई लाया 100 रुपया, शाम तक हिसाब किया कि देखा बेटा मेरा बच्चा क्या खाएगा, हम क्या खाएंगे, और मेरा घर कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिक बिल पानी बिल कहाँ से जाएगा पता नहीं, तो ताला बंद करो और भागो, जाके किसी फैक्ट्री में लेबर काम करो, नहीं चलेगा पंडित आई, काहे सामने वाला देने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर के पास कल जाएगा बोलेगा ऑपरेशन करवाना है, 13 लाख रुपया घर बेच के दे देगा, लेकिन पंडित बोलेगा कि तेरा काम बेटा ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, ये हवन करा ले, बोले डाउट है, बाद में वही करवाएगा। अभी एक का ब्रेन का ट्यूमर था, वो बेचारा यहाँ आके रो रहा वाला, कोई बात नहीं बेटा ये करा ले, बोला पंडित 55,000, 60,000, मैं बोला मैं तो नहीं मांगा, वो पंडित लोग मांगे, वो लोग लेंगे तेरा ग्रह लेंगे, तेरा पाप लेंगे यार, लेकिन जाके ऑपरेशन कराया, 13 लाख का खर्चा किया, फिर भी नहीं हुआ, फिर दोबारा कोई तो सिस्ट रह गया था ग्रो करके, फिर दौड़ा, बोला क्या पागल पर भाग यहाँ से, गेट आउट, जाओ ऑपरेशन करवाना जा। तो बोला नहीं आप समझ में आ गया, बोला अब आया समझ में, जा जब 13 लाख उसको दे सकता है तो 55,000 मांग रहा है यार, तेरा पाप लेके जाएगा, उसको भी भुगतना पड़ेगा, गारंटी है वो पूजा करेगा उसका सर में दर्द देगा, पूछ लेना 7 दिन उसको भी भुगतना है, गायत्री साधक है बोल के बच जाएगा, माना किया, अब ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर, हमें तो बाध्य है ना, पंडित
फीस नहीं मांगेगा। कलयुग का पंडित है यार, पापी हैं हम लोग। वो तो राम का समय से विभीषण बोल दिया था कि क्या करेगा बोला, कलयुग में पंडित के घर में जन्म होंगे। पढ़े हो कि नहीं रावण जी? हाँ बोला, बहु गोवंशी बहु परिवार। तो हम लोग तो वही हैं, कलयुग का ब्राह्मण के घर में जन्म है तो फीस काहे ना ले, हैं तो पापी, प्रभु जन्म किया है इसी में। आप यादव हो, बोले हम नहीं लेंगे। मत लो, बोले मैं ये प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ और मैं आपको टाइम दूंगा तो मेरा फीस ये है। अभी सोचो आपके साथ लिंक बन गया इन गदों का। आप यहाँ आए तो इतने सारे लोग बोले हम भी जाएंगे, आओ लेकिन जरूर घूमो, जरूर तीर्थाटन कराएंगे। तो कब धुर फांक के कराएंगे। अब आपके साथ अगर जैसे हम जैसे लोगों के साथ लिंक हो गया, तो अगर आपको 100 तीर्थाटन मिल गए, बस मिल गया। हमारे यहाँ तो 40-50 लोग ऐसे हैं जो पूरा भारत घुमाते हैं। कोई बस में घुमाता है, नेपाल लेता है, गए सब तरफ लेता है, कोई बस में लेता है, कोई ट्रेन में। बूढ़ा बूढ़ी लोग, गरीब लोग पड़े हुए हैं जिनको मतलब वो लोग चाह, देखिए क्या चाहते, हमारा साथी कोई होना चाहिए विश्वासी कि हमको लेके घुमा के आ जाए। कोई विधवा है, कोई बूढ़ा है, कोई और। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे नौजवान लोगों को ले जाओ घुमा के लाओ, इनका तो खुद पागल लगे, जैसे गंजा उंजा सूटेगा, चला ट्रेन में इस ट्रेन से उस ट्रेन जाके दर्शन करके आ गए। आध्यात्मिक तीर्थाटन का बात कर रहा हूँ। और दूसरा क्या जानते हो, ये जो आध्यात्मिक तीर्थाटन क्या है, एक्चुअली इससे बड़ा ड्रग्स तो कुछ भी नहीं। एक बार आदमी को मजा आ गया ना, तो बोला गुरु जी नेक्स्ट ट्रेन कब है, हमारा पैसा एडवांस रख लीजिए, हमको एकदम पहला टिकट हमारा रहना चाहिए। देख लेना यहाँ तो चमत्कार देखते हैं। अगर अंदर आपके अंदर वो भक्ति भाव बनाने का ताकत है, ये मैं इनको ट्रेनिंग दे के छोड़ता हूँ ना, मेरा पार्टी लोगों को, मेरे को भी देखना मिल जाता है। बोले सुन ऐसा ऐसा करना, ये घुट पिलाना इसको, थोड़ा सा रम के साथ घुसकी मिला देना और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हाँ क्या क्या पानी बोलते हैं उसको, वो पानी मिला था, सोडा पानी मिला के उसको फेंट के पिलाओ, दोबारा फिर मांगे। और ये माल मारोगे ना तो मतलब नेभी वाला जलपथ पिलाओगे, थोड़ा सा गंजा रगत के माल भर देना और दूध सूट पिला देना, फिर रम आएगा। मतलब इत आध्यात्मिक का बात करते हैं कि जब लेके जाओगे तो भजन कराओगे, ध्यान कराओगे, योग निद्रा कराओगे। हम इस भाव से कह रहे नहीं कि गंजा पिलाओ फिर अपने यात्रियों को ले तीर्थाटन करके, वो बात नहीं कर रहे। तो उनको उस आध्यात्मिक आनंद शांति एक बार जिसको मिल गया यार, तो दौड़ेगा आपके पीछे। आप वो माहौल नहीं क्रिएट कर पा रहे हो ना, वहाँ कहीं ना कहीं कमी है। उस जगह में आपको और थोड़ा टर्न होना पड़ेगा कि हम ऐसे क्या कराएं जो आदमी, आप बिलीव करोगे नहीं। कलकत्ता में एक कथा कर रहा था पंचवटी में, तो सुबह का मेरा योगा का सत्र था, तो योग क्लास में ले रहा था, योग क्लास लेते रहते उस दिन क्या हुआ, कोई आया नहीं, दो तीन आए, एक मारोड़ी का बच्चा बूढ़ा आया मारोड़ी, और दो तीन ऐसे वहाँ झाड़ूदार बोले बोले भाई आ जाओ, आज तो कोई आया नहीं करेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशन था नहीं आया। ए दो आदमी तीन आदमी में क्या योगा, वो तो रामदेव बाबा हजारों आदमी करते। बोले हम दो ही आदमी का, मेरा भाग्य में अगर आज तीन आदमी लिखा है तो तीन आदमी से योग करेंगे, क्या प्रॉब्लम, आओ। एक खसर के साइड में बैठा, दो करने लगे। तो बोले हम बूढ़ा आदमी क्या योग करेंगे, बुढ़ापे में अभी 70 साल हो गया, कहाँ टांग उठेगा नाक में पकड़ेगा। बोला लग कोई बात नहीं, सो जाओ। एक योग निद्रा बढ़िया से साथ में करा दिया। महाराज बिलीव नहीं करोगे, गोरखपुर में लेके 60,000 का पर डे का कथा करा दिया। बोला महाराज जिंदगी में कभी ऐसा आनंद नहीं मिला था, वो मात्र 35 मिनट का योग निद्रा से। मैं कथा करने गया वहां कलकत्ता में, और वहां से गोरखपुर का दूसरा कथा बुक गोरखपुर में करके आया। मरोड़ी बनिया लोग पैसा में नहला दिए, वहां कथा करके आया। तो कभी सोचा था, तो आपको पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो करो। मेरे 56 चैनल क्यों खोल के बैठे हो, अब तक 56 तो वो मारा ना नायक, तो हम भी अब तक 56 कर दिए हैं। पता थोड़ी है कौन सा चैनल किस दिन फ्लिक मारेगा, तो काम करो ना। काम नहीं करोगे बोलोगे हम बैठे हैं कैसे होगा। और आप बोलो कि उंगली ऐसे रख दीजिए, मैं तो बोला हाथ में दो त्रिंगल है, तो कृषि सबसे एक नंबर में हाथ का, लेकिन औषधि कृषि में चलना पड़ेगा। साथ में भाजी का चास करो तरकारी, नौकरी करो सरकारी, तो तरकारी में काम करना पड़ेगा, सबसे टॉप नंबर है। उसके साथ आप, मैं क्या बोला, सूरज से एक करियर, चंद्रमा से एक करियर, लग्न से एक करियर, बिंदु कुंडली से एक करियर, तो ये चारों आपको करना है एक आध्यात्मिक लेवल पे, और सात वाले नंबर को करना चाहिए। तीसरा ये है कि देखो, बिना ऐसा कोई गृहित कर्म नहीं किए तो आज का ये हालत नहीं होगा।
वो गृहित कर्म कुछ भी हो सकता है, ज्ञात अज्ञात। मैं नहीं कह रहा हूं जानबूझ के आप किए, और उसमें से सबसे टॉप में आता है भ्रूण हत्या, एक नंबर में आता है। जान के तो ऐसा तो नहीं हुआ। और गोली मारो ना महाराज, मैं गिनती करवा रहा हूं बस, वहां से लेके एक नंबर में जितना भी आदमी मैं देखा हूं उनके कुंडली में, भाई ये अगर भ्रूण हत्या कर दिया है तो फिर उसका जिंदगी डैमेज, सारा कुंडली ग्रह और एक तरफ और भ्रूण हत्या एक तरफ, पेट का अंदर बच्चा कोई मार दिया, ठीक है ना। ऐसे करके बहुत सारे विषय है, उन बहुत लंबा हो जाएगा आपको प्रवचन देने में, किसी दिन और बैठेंगे उसके ऊपर। लेकिन इतना समझिए कि ये जो हो गया वो हो गया। अभी शनि साढ़े साथी के बाद और नेचुरल लेवल पे मकरु वालों को शनि का एक एक बहुत बढ़िया योग फ्लो मिलेगा, गुरु का नहीं मिलेगा, गुरु तो यहाँ नौटंकी करेगा ही, तो उस क्षेत्र में आप इत्मीनान रहिए। और अभी जो आपके समक्ष आ रहा है उन काम को आप बोल रहे हो एनजीओ करेंगे, करिए, आप बोल रहे कंपनी करेंगे, करिए, मना नहीं है। लेकिन पागल जैसे बन के सारा वहां पैसा झोंक दो और पागल बन जाओ, मत बनो, ऐसा नहीं है। और अगर आपके मन में दस तो विचार आ रहा है, भगवान तो बोलना चाहिए एक ही एक नंबर दे दो यार, इतना नंबर काहे दिए हो, इतना सारा नंबर क्यों है यहाँ, नहीं होना चाहिए इतना नंबर, एक ही नंबर होना चाहिए था। तो एक करियर का बात कैसे करते हो कि आपका बाप दादा एक ही धंधा करके बैठे थे, खेती करके, कोई सूता बिन रहा था, कोई गाय गौशाला किया था, कोई घी प्रोडक्ट फैक्ट्री बनाया था, कोई अचार फैक्ट्री बनाया था, सामने अचार लेके क्यों आए बताओ। इसीलिए बैमान सिंह यादव खाली नहीं बोलते हैं, आप आ सकते थे तो मिठाई का पकड़ भी लेके ला सकते थे क्या। अब तो जानते हो पंडित ब्राह्मण मोदनते मिष्टान, पंडित को घोड़ा को सांड को लाल कपड़ा दिखा दो, बनिया को पैसा दिखा दो और पंडित को मिठाई दिखा दो, साला पगला जाते हैं लोग। पंडित को मिठाई दिखाया तो ये गया काम से, किसी पंडित को मारने में तो भोज में बुला लो, सामने मीठा खाओ उसको मत दो, फटाक दिमाग खराब हो जाए। कल नहीं देखे मेरा गुरुजी क्या फेंक रहे थे मेरे को, ले लड्डू उनको पता है कि पंडित का बच्चा है, ठीक है, उधर भोग चल रहा है, इधर मेरे को भोग लगा, ले अरे ले। अच्छा रात को 3 बजे हम लड्डू खाएं, नहीं खाना चाहिए रूल के अनुसार, प्रसाद है सर को खाना, हानि राजस्व से जाए थे तो खा रहे, समझ में आ रहे। आप ये लेके आए हो, ये तो हम एस्ट्रोलॉजी में द्रव्य ज्ञान कहा जाता है। आगे ज्योतिष के पास कैसे जाते थे, चावल बैगन चना ते ऊपर में दक्षिणा,